और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंबई रवाना हुए, लेकिन उससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनिए। उसके बारे में चौबी जी बताएंगे। अकबर जी, कैबिनेट में जो एक और दो एक दो दिसंबर को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसके बारे में कैबिनेट में डिसीजन हुआ, उसके विधेयक के जो मसौदा है उसके बारे में चर्चा हुई और जो आरक्षण है उसके बारे में भी बात हुई, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग EWS इसके आरक्षण के, और दूसरा ये है कि जो जिला में भर्ती की जाती थी उसके भी कोई एक्ट नहीं था जिसको भी हाई कोर्ट ने निरस्त किया था, एक आदेश के माध्यम से उसको जारी कर दिया गया था तो उसे भी निरस्त किया गया। तो जिलों के भी वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रदेश के आरक्षण है, उतना ही महत्वपूर्ण जिले के जो जिलों में जो पद होते हैं तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो उसको भी एक्ट में लाया जाएगा। सारी बातों पर चर्चा हुई, उसके बारे में डिटेल चौबी जी बताएंगे आपको। इंदौर उसके बाद गुजरात लगातार, हाँ, तो निर्मला सीतारमण जी से कल मीटिंग है, परसों फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से हाथ मीटिंग है हमारी, उसके बाद महू में संविधान दिवस भी है और अम्बेडकर जी जन्म स्थली महू वहाँ पद यात्रा में शामिल होंगा और उसके बाद गुजरात का दौरा फिर आऊँगा। पंद्रह साल में राम राज्य रहा है, इसका हम लोग कितना खामियाजा भोगे हैं, आम जनता कितना खामियाजा भोगा वो जानते हैं। आदिवासियों की जमीन चली गई, सैकड़ों आदिवासी जेल में ठूस दिए गए, फिर नक्सली बताकर इनकाउंटर किए गए, जीरम में हमारे नेता शहीद हो गए, तो ये राम राज्य था। किस प्रकार से लूट मची थी वो सब ने देखा है, तो 15 साल के कार्यकाल का रिजल्ट आ गया, 15 सीटें सिमट गए। रमन सिंह जी राजनांदगांव में काम किए होते तो वहाँ लोग सड़क की मांग नहीं करते, नई सड़क की मैंने घोषणा की, वो सड़क बनाए होते तो नई सड़क की जरूरत क्या थी। दूसरी बात, एक सड़कें खराब हो गई तो मतलब 4 साल में सारी सड़कें खराब हो गई, ग्रामीण क्षेत्र में पूरी सड़कें खराब है, और रमन सिंह यदि काम किए होते तो सड़कें इतनी खराब नहीं होती। एजुकेशन की बात है, हेल्थ की बात है, वो सब हम कर रहे हैं। रमन सिंह जी केवल गुमराह करके वोट लेते रहे। रमन सिंह जी सच में 2004 से ले 3 से लेके 12 तक के आरक्षण लागू नहीं किया था, और किया तो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाया। हम लोग आरक्षण